हदीस में यह समझ में आया। दूसरी बात इस हदीस में समझने के लायक यह है कि हुजूर को कब पता चला निकाह हो गया है, हुजूर ने कब देखा इनके कपड़े पर रंग लगा हुआ है, ये कब पता चला। अब्दुर्रहमान बिन औफ का रात में निकाह हुआ था, रुखसती हुई थी और फजर में हुजूर के पीछे खड़े हैं। दूल्हा दूल्हा फजर में इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है। हमारे यहां कोई दूल्हा आता है, बल्कि अगर वो आने की भी कोशिश करे तो रिश्तेदारी उसकी मजाक उड़ाने लग जाते हैं, रात को शादी हुई नहीं है, फजर के नमाज में मौजूद। नमाज की जिसके दिलों में अहमियत होती है, नमाज की जिनके दिलों के अंदर वकात होती है, सारी चीजों को परे रख देते हैं, पीछे रख देते हैं, नमाज पहले। माफ कीजिएगा, यही बेबरकतियां होती है जिसकी वजह से फिर औलादे नाफरमान होती है। फजर की नमाज नहीं है, नमाज ही नहीं पढ़ी। जब नमाज का हमारे यहां तो हाल ये हो गया है, अल्लाह माफ करे, रुखसतियां उस वक्त हो रही है जब मस्जिद के अंदर अजान की आवाज आ रही है, फजर की अजान। उस मौके पर तो लड़की को रुखसत किया जाता है, उस मौके पर तो लड़की अपने ससुराल जहां पर शौहर है वहां पहुंचती है। अब जाहिर सी बात है, क्या वो फजर की नमाज पढ़ेंगे, क्या वो अल्लाह के हुकूक का ख्याल करेंगे, उसके नतीजे के अंदर फिर औलादे भी ऐसी आएगी बेबरकती। सिस्टम पूरा निजाम हमने ऐसा बना दिया है कि अल्लाह की पनाह। इमाम के पीछे दूल्हा मौजूद है फजर की नमाज के अंदर, इसलिए कि नमाज की वक्त है।